गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आज हम 13 चैप्टर कर रहे हैं हिंदी रीडर का, देखो बसंत आया। बसंत मतलब बसंत ऋतु। इस कविता में कवि बसंत ऋतु का वर्णन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगल में मंगल छाया है, देखो बसंत आया है। जंगल में भी हरियाली छा गई है। बसंत ऋतु में क्या होता है, हर जगह पेड़ पौधे खिल उठते हैं, फूल खिलने लगते हैं। इसलिए जंगल में मंगल छाया है, देखो बसंत आया है। खेतों की हरियाली भांति पीली सरसों पास बुलाती। खेतों में हरियाली आ गई है, हर जगह नए नए पेड़ पौधे खिल उठे हैं। पीली सरसों पास बुलाती और खेतों में पीली सरसों उगने लगी है। मचल रहा नदियों का पानी, नदियों का पानी भी बहने लगा है। मचल रहा है मतलब बह रहा है। सरगम गाती कोयल, कोयल मीठे गीत सुना रही है। भरी धरा की हरियल थाली, पत्ते भी लगे बजाने ताली। गया समय देखो पतझड़ का, बीता मौसम थर थर का। अब इसमें कवि वर्णन करते हैं कि भरी धरा की हरियल थाली, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी चारों तरफ हरियाली से भर गई है। पत्ते भी बजाने लगे हैं ताली, पत्तों आपस में टकरा रहे हैं, उनकी खनक की आवाज़ आ रही है। गया समय देखो पतझड़ का समय बीत गया है, बीता मौसम थर थर का, थर थर मतलब कांपना। अब ठंड का मौसम चला गया है, पेड़ों ने फिर जिंदगी पाली, लगी झूमने डाली। अब पेड़ों को फिर से नई जिंदगी मिल गई है, हर डाली लहराने लगी है। यह सब प्रकृति की माया है, मौसम नव उमंग लाया है। ये सब हमारी प्रकृति की ही माया है, मौसम नव उमंग लाया है। और जो ये मौसम आया है बसंत ऋतु का, ये हमारे जीवन में नई उमंग लाया है। बच्चा बच्चा मुस्काया है, देखो बसंत आया। हर बच्चा मुस्कुरा रहा है और देखो बसंत आया है। तो आपको ये चैप्टर रीड करना है अच्छे से, उसके बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।